कोरोना सबको होगा, यह कोरोना आप में भी है, यह कोरोना मेरे में भी है। कोरोना किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। केवल लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि कोरोना है, कोरोना रहेगा, कोरोना जान ले रही, कोरोना हवा में है। यदि मैं बात करूं कोरोना की तो कोरोना हवा में है। जेके न्यूज नेटवर्क आपको एक कहानी सुनाता है और इस यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। अमेरिका में एक कैदी को जब फांसी की सजा सुनाई तब वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस कैदी पर एक प्रयोग किया जाए। तब उस कैदी को बताया गया कि उसे फांसी की बजाय विषधर कोबरा से डसवा कर मारा जाएगा। फांसी वाले दिन उसके सामने एक बड़ा विषधर सांप लाया गया तथा कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्सी पर बांध दिया गया। इसके बाद उसे सांप से न डसवाकर सेफ्टी पिन चुभाई गई। आश्चर्य की बात हुई कि कैदी की 2 सेकंड में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैदी के शरीर में ह्यूमन सदुस्यम विष मिला। यह विष कहाँ आया जिससे कैदी की मृत्यु हुई? पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि यह विष कैदी के शरीर में मानसिक डर की वजह से उसके शरीर ने ही उत्पन्न किया था। अतः तात्पर्य यह है कि हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। तदनुसार ही हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं। 90% बीमारी का मूल कारण नकारात्मक विचार ऊर्जा का उत्पन्न होना है। आज मनुष्य गलत विचारों का भस्मासुर बनाकर खुद का विनाश कर रहा है। मेरे मतानुसार कोरोना को मन से ना लगाओ। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग नेगेटिव हो गए हैं। आंकड़ों पर ना जाए, आधे से ज़्यादा लोग व्यवस्थित हैं। मृत्यु पाने वाले केवल कोरोना की वजह से नहीं बल्कि उन्हें अन्य बीमारियां भी थी जिसका मुकाबला वे कर नहीं सके। ये याद रखें, कोरोना की वजह से कोई भी घर पर नहीं मरा, सबकी मृत्यु अस्पताल में ही हुई। कारण अस्पताल का वातावरण एवं मन का भय। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखें और आनंद से रहें। थिंक पॉजिटिव, बिलीव गुड विल हैपन। मनोचिकित्सकों की यदि हम सलाह माने तो यह बात साफ है कि कोरोना से जुड़ी खबरें ना देखें ना सुने। आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। कहीं से भी अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास छोड़ें, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को और ज़्यादा कमजोर ही करेगा। दूसरों को वायरस से संबंधित सलाह ना दें, क्योंकि सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता एक सी नहीं होती। कुछ डिप्रेशन अर्थात अवसाद के शिकार हो सकते हैं। जितना संभव हो संगीत सुने, अध्यात्म भजन आदि भी सुन सकते हैं। बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलें, परिवार के साथ बैठकर आने वाले वर्षों के लिए प्रोग्राम बनाएं। अपने हाथों को नियमित अंतराल पर अच्छे से धोएं, सभी वस्तुओं की सफाई करें, किसी भी नव आगंतुक को 1 मीटर दूर से मिले। आपकी नकारात्मक सोच विचार की प्रवृत्ति डिप्रेशन बढ़ाएगी और वायरस से लड़ने की क्षमता कम करेगी। दूसरी ओर सकारात्मक सोच आपको शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बनाकर किसी भी स्थिति या बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाएगी। अत्यंत आवश्यक यह है कि विश्वास दृढ़ रखें कि यह समय शीघ्र ही निकलने वाला है और आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें। तो ये थी जेके न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल पेशकश। धन्यवाद।